part ends and moving on to the next part of the chapter. The chapter is same, but in the second part, as I've mentioned before also, what happens in the second part, you will find them peeping into the window, looking at Lalli, how she plays the violin, and a beggar appears. So this is all we are going to read about. Like this, you can see in this picture, and eyes glazed with concentration. मतलब अपनी तरफ से लल्ली ना म्यूजिक सीखने के लिए बहुत कंसंट्रेशन से फोकस बैठी थी, but she was very awkward with it. This was the whole scenario. In this picture also, you look at this music master very carefully, and we'll be talking about this music master, his appearances and how he looked. So you could see in the picture that mostly bald था, उसके सर पे बाल नहीं थे. तो bald is like without hair, head. So a fringe of oil black hair. Here you will see कि इसकी छोटी सी tail आ रही है. So that is the fringe which is oiled. मतलब तेल लगाया हुआ है उसने बालों पे. Around his ears, hair falling around his ears. Ears के पास भी उसके बाल है. And wore an old fashioned tuft, the one he is wrapped it here. You know, this is tuft, the one he is wrapped in the neck. So this is the old fashioned tuft जो music master ने डाला हुआ है. He is wearing rings and ring. Diamond ring and a gold chain around his neck. So this is how you can mention the appearances of the music master. So he played a few notes. Lalli stumbled behind him. So what happened? उन्होंने एक दो notes play किए music master ने और Lalli stumbled. Stumble means fell. Like fell actually वाला गिर नहीं गई, but वो बजा नहीं पा रही थी जिस तरीके से उसके music master इतना अच्छा बजा पा रहे थे. So यहाँ पे वो describe कर रहे थे पूरे scene को कि अंदर जब उन्होंने window से peep किया उन तीनों ने तो अंदर क्या हो रहा था. तो उतनी देर में what happened, amma came a wail. Wail means a cry. So amma came the wail from the gate. अम्मा ओ अम्मा. नाउ यू विल बी वेरी फेमिलियर कि हमारी गलियों में भी कभी कभी ऐसी आवाजें आती हैं. तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें कि अम्मा अम्मा करके वहां पर एक बेगर आ रहा था. और इससे स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि वो बेगर एक हफ्ते से कंटिन्यूअसली उनके घर पे आ रहा था. सो रवि वाज आस्क्ड टू सेंड अवे द बेगर. अब वो एक हफ्ते से कंटिन्यूअसली आ रहा था, तो उनको पहले अंदर अम्मा को पता चल गया था कि कौन है, एंड शी सेड दैट प्लीज इसको वापस भेज दो. सो रवि वाज आस्क्ड टू सेंड अवे द बेगर. पाथी एक्सप्लेन तापी. नाउ हियर शी वाज एक्सप्लेनिंग दैट द बेगर हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे द पास्ट वीक. वो कहते पिछले हफ्ते से हर रोज आ जाता है, हम इसको हर रोज कुछ ना कुछ दे देते हैं, बट ये ऐसा बेगर है कि ये तो अब हम पे चिपक ही गया. लाइक ही स्टक टू आवर हाउस. अब तो ये रोज ही यहाँ पे आ जाता है, रोज हमसे मांगने लग जाता है. सो मृदु मीना ने क्या किया, दे फॉलोड रवि. रवि को बोला था उसको, बेगर को बोलो बाहर जाके दैट प्लीज गो अवे, अब हमारे पास कुछ नहीं है देखो देने को. सो दे वर फॉलोइंग, मृदु और मीना उसको फॉलो कर रहे थे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. नाउ द बेगर मेड हिम. अब जब तक वो लोग बाहर पहुंचे, बेगर को ये कहने कि आप यहाँ से चले जाओ, तो उस में उन्होंने क्या देखा, बेगर ऑलरेडी कंफर्टेबली ट्री के नीचे बैठा था. वो इस तरीके से बैठा था, उसको जैसे लग रहा था ये तो उसका खुद का ही घर है और खुद के लॉन में वो रेस्ट कर रहा है. दिस इज व्हाट यू विल सी दैट ही वाज ऑलरेडी सीटेड एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल इन द गार्डन. एंड रवि आस्क्ड द बेगर टू गो अवे. जैसे रवि को बोला था कि उसको भेज दो, तो उसने बोला यार प्लीज गो अवे. सो द बेगर प्लीडेड अगेन. प्लीडेड मींस ही अगेन रिक्वेस्टेड एंड रेज्ड हिज वॉइस. अब उसको लगा यार ये तो बच्चे ही मना कर रहे हैं, मैं दोबारा आवाज लगाता हूं, तो उसने दोबारा लाई अम्मा ओ अम्मा. सो व्हाट हैपेंड, रुक्मणी ने लाइक उसकी मॉम ने अंदर से ही रिप्लाई किया. समटाइम्स अ मदर रिप्लाई सो लाइक सो लाउडली कि अगर कोई घर के बाहर भी खड़ा है और वो अंदर से बोल रहे तो बाहर वाले को सुन जाएगा. तो यहाँ पर भी यही सीन हुआ कि उसकी मम्मी ने इतना ऊंची बोला कि यार उसको बोलो तुम चले जाओ, हमारे घर में कुछ नहीं रह गया. और उसकी मम्मा ने ये ऐड किया कि रवि यार उसको बोल दो, बट रवि भी वहां पे खड़ा था, बेगर भी वहां पे खड़ा था और दोनों को सुन गया था. तो रवि ने कहा कि अब मुझे जरूरत तो है नहीं रिपीट करने की, मम्मा ने इतना लाउडली बोला है कि बेगर को सुन ही गया होगा. सो बेगर को सब कुछ सुन गया था कि यहाँ से चले जाओ. सो बेगर सेड, दिस इज व्हाट द बेगर सेड. ही सेड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा. He said wearily. Wearily means very tired he was. Only let me have rest here under this tree. He said कि मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे ना थोड़ा रेस्ट करने दो. I'm very tired. And you know, ये ध्यान में रखना, you have to keep in mind that the day was very sunny. It was a very sunny day. It was very hot outside. And let's see what the beggar says next. He says that the sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. Blistered means उसकी पैरों पे छाले हो रखे थे. अब क्यों छाले हो रखे थे? Which automatically
ऑटोमेटिकली मीन्स कि उसके पास कुछ पैरों में डालने के लिए नहीं था. ही वॉज नॉट वेयरिंग लाइक एनी फुटवेयर. उसके पास कुछ भी नहीं था. और उसने फिर अपने ब्लिस्टर्स दिखाए. दे वर वेरी रेडिश एंड पिंकी. जैसे अभी मतलब वो होते हैं ना लाइक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा उसके ब्लिस्टर्स हो रखे थे, तो वो रेड और पिंकिश से थे. तो उसने अपने ब्लिस्टर्स भी दिखाए. नाउ व्हाट हैपेंड, वहाँ पे मृदु भी खड़ी थी, मीना भी खड़ी थी. दे वर फीलिंग वेरी सैड फॉर द बेगर कि यार इसके पास तो चप्पलें नहीं और अब ये बाहर धूप में जाएगा, इतनी धूप में जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब नाउ जस्ट लाइक वी किड्स आर, अगर हम किसी बेगर को देखें तो हमें भी उस पर यू नो दया आएगी कि यार उसके पास तो चप्पलें ही नहीं है डालने को. सिमिलरली मृदु ने ना विस्पर किया अपने कजन के कानों में. उसने बोला यार इसके पास तो कोई पैसे नहीं है. दिस इज हाउ शी विस्पर्ड. शी सेड दैट ही हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स. इसके पास तो पैसे ही नहीं है. एंड फिर उसने कहा यार व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. मृदु ने रवि को बोला यार प्लीज कुछ कर, जैसे हम अपने कजन्स को बोलते हैं ना. उसने अपने कजन को बोला यार कुछ कर यार, दिस इज नॉट फेयर. सो मृदु वाज रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. शी सेड दैट दिस इज नॉट फेयर. उसके पास पैसे नहीं है, उसके ब्लिस्टर्स है, कुछ करो कुछ करो. सो रवि ने कहा प्लीज बी क्वाइट एंड लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. सो व्हाट हैपेंड, रवि ने बोला लेट्स गो इनसाइड द होम एंड लुक फॉर सम चप्पल्स. नाउ व्हिच गेव दोस ब्लैक चप्पल्स. नाउ व्हिच ब्लैक चप्पल्स. अब क्या हुआ सीन में, अब वो सारे तीनों के तीनों अंदर चले गए एंड दे वर लुकिंग फॉर चप्पल्स के कोई एक्स्ट्रा चप्पल्स मिल जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल रवि ने सोचा कि मैं अपनी खुद की चप्पल्स दे देता हूँ इसको. देन रवि थॉट दैट मेरी चप्पल्स तो बहुत छोटी है, मृदु की भी बहुत छोटी है, इतने बड़े बेगर को हमारी छोटी चप्पलें कैसे आ जाएंगी. देन दे अगेन वेंट इनसाइड लुकिंग फॉर द स्लीपर्स एंड वो वेरांडा में से जा रहे थे. फिर वेरांडा में उन्होंने एक ब्लैक चप्पल्स का पैर देखा. जो इनिशियली हमने देखा था वो ब्लैक स्लीपर्स देखे उन्होंने, विच वर वेरी वॉर्न आउट. और किसी ने भी मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने पुराने हैं और कितने टाइम से वो किसी ने यूज ही नहीं किए. जैसे हमारे घर में भी कोई ऐसी चप्पल पड़ी रहती है ना जो कोई यूज नहीं करता, तो वो एकदम ऐसी ही लग रही थी. सो दे डिसाइडेड कि उनको पता नहीं था किसकी चप्पल है. सो दे डिसाइडेड दैट लेट अस गिव दिस चप्पल टू द बेगर एंड ही विल बी हैप्पी एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. सो उन तीनों ने क्या किया, दे टुक दोस चप्पल्स और उन्होंने जाके वो बेगर को दे दी. नाउ दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी कि हमने एक पुअर पुअर बेगर की हेल्प की. सो दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट नाउ यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि वो चप्पलें एक्चुअली में किसकी निकली. वो स्लीपर्स एक्चुअल में वो इतने वॉर्न आउट स्लीपर्स किसके थे, वो म्यूजिक मास्टर के थे. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द क्लास लाइक आफ्टर फिनिशिंग द म्यूजिक क्लास विद लल्ली. एंड म्यूजिक मास्टर वॉज लुकिंग फॉर हिज चप्पल्स हेयर एंड देयर कि मेरी चप्पलें कहाँ गई. सो म्यूजिक मास्टर ने क्या किया, म्यूजिक मास्टर कॉल लल्ली. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा लल्ली मैंने अपनी चप्पलें यहाँ ही उतारी थी, कहाँ गई, मेरी चप्पलें कहाँ है. सो उसने ऐसे क्वेश्चनिंग की एंड देन ही सॉ दैट द थ्री ऑफ देम लाइक मृदु मीना एंड रवि वर सिटिंग अंडर अ ट्री. उन्होंने ना उसको ऐसे बड़ी अनअप्रिशिएटिव लुक से देखा म्यूजिक मास्टर ने. वो अनअप्रिशिएटिव लुक से क्यों देखा, बिकॉज दे वर प्रेइंग विद मार्बल्स. सो अगैन उसने उनको इग्नोर कर दिया, उन सब बच्चों को. एंड ही अगैन वॉज लाइक वेयर आर माई चप्पल्स, वेयर आर माई स्लीपर्स लाइक दैट. सो वॉट हैपेंड नेक्स्ट, म्यूजिक मास्टर तो शुरू ही हो गए. मतलब वो यू नो अब जैसे उनकी कोई चीज़ घूम गई तो वो सब झूठ बोल रहे थे, लाइक उल्टा बोल रहे थे. ही सेज दैट इट वॉज वेरी ब्रांड न्यू एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. और म्यूजिक मास्टर ने लल्ली को ये भी बोला कि आपकी जो एक मंथ की फीस है ना उतने की मेरी चप्पल जाएंगी, एक महीने की फीस लग जाएगी उसमें. सो ये सब म्यूजिक मास्टर बोल रहा था और उसकी चप्पलें नहीं मिली. सो अब लल्ली वॉज ऑल्सो शी गॉट पैनिक्ड और लल्ली वेंट इनसाइड एंड कॉल्ड रुक्मणी. सो ऑल्सो ही मेंशनड वन थिंग, उसके म्यूजिक मास्टर ने बोला दैट ही हैड गॉन टू ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. ही वॉज स्पीकिंग ऑल, इट वॉज ऑल लाइ बिकॉज यू हैव सीन इनिशियली हाउ द चप्पल्स लुक्ड. सो अब लल्ली तो डर गई. लल्ली ने क्या किया, लल्ली वेंट इनसाइड एंड टोल्ड रुक्मणी अबाउट एवरीथिंग दैट ही इज अनएबल टू फाइंड हिज स्लीपर्स. तो रुक्मणी का रिएक्शन कैसे होगा, आपकी मॉम का कैसे रिएक्शन होगा, उनको एम्बैरस होगी ना कि अगर घर से कोई चीज घूम हो जाती है. सो रुक्मणी वॉज ऑल्सो एम्बेरस्ड एट द सीन एंड पाती ऑल्सो सेड, पाती ऑल्सो केम इन टू द पिक्चर द ग्रैंड मदर. शी सेड कि यहाँ पे ना बहुत सारे वेंडर्स आते रहते हैं, वेंडर्स यानी कि छोटे मोटे सेलर्स जो हमारे गली में आते रहते हैं. तो उन्होंने कहा यहाँ पे छोटे मोटे वेंडर्स आते रहते हैं, किसी ने भी चुरा ली होगी. दिस इज वॉट द पाती हैड टू से. बट स्टिल वॉट हैपेंड, अभी भी वो ढूंढ रहे थे. पाती ने बोल दिया यार किसी ने चुरा ली होगी, बट रुक्मणी ने देखा कि
ऑल थ्री ऑफ देम वर सिटिंग डाउन द ट्री. नाउ दे वर लाइक, उन्होंने तीनों को देखा एंड दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, हैव यू सीन म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स लाइक दैट. सो इन सब में से सबसे ज्यादा इनोसेंट थी मृदु. ऑफ कोर्स वो थी भी उनकी गेस्ट. अगर आप भी किसी के घर जाओ तो हम डर जाते हैं, यू नो, ऐसा कुछ सीन हो जाए. सो मृदु भी डर गई एंड शी स्टार्टेड शिवरिंग. सो शिवर करते करते उसने सब कुछ सच बता दिया रुक्मणी को. यस, वी गेव दोस चप्पल्स. उसने सब कुछ बता दिया कि हमने बेगर को ऐसे वो चप्पल्स दी, बट इन रिटर्न ऑब्वियसली हमारे मदर्स होते या किसी के भी मदर होते वो अनॉयड हो जाते, गुस्सा हो जाते. सिमिलरली रुक्मणी वॉज ऑल्सो अनॉयड. रुक्मणी वॉज लाइक कि यार आजकल के बच्चे कैसे से है. पाती ने भी ये बात बोली कि कैसे से ऐसे आप किसी की भी चीजें उठा के दे देते हो. सो इन अर माइंड मृदु वॉज थिंकिंग दैट अगर उन्होंने एक्चुअली में बेगर के ब्लिस्टर्स देखे होते, उनको पता चलता कि हाउ मच पेन ही वॉज गोइंग थ्रू, तो वो इतना गुस्सा ना करते. शी वॉज यू नो कंसोलिंग हरसेल्फ, अपने आप को खुद ही समझा रही थी वैसे. वॉट हैपन्ड नेक्स्ट, रवि गिव्स एग्जाम्पल ऑफ करण. करण लाइक ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन एंड ही यूज टू यू नो गिव टू बेगर्स अ लॉट ऑफ हिज मनी इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड यूज टू हेल्प बेगर्स. सो ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ करण दैट मॉम, करण भी तो ऐसे करता था. सो उसके मम्मा ने उसको समझाया कि वो अपनी चीजें लोगों को देता था, ये नहीं कि किसी और की उठा के दे देता था. सो रवि इन हिज डिफेंस, रवि ने अपने डिफेंस में बोला कि मम्मा अगर मैं अपनी चप्पलें देता वो तो बेगर को पूरी आनी नहीं थी, तो मेरे को किसी और की देनी पड़ी. सो अब उसके मम्मा ऑलरेडी गुस्से में थे, वो और गुस्सा हो गए एंड शी सेड गो इनसाइड. मतलब उन्होंने उसको गुस्से में बोल दिया, अब स्ट्रेट अवे गो इनसाइड. सो रवि वेंट इनसाइड. रुक्मणी वॉज वेरी एंग्री एट रवि दैट पॉइंट. सो वॉट हैपन्ड, रुक्मणी वॉज थिंकिंग कि अब क्या करे, उसको बेगर को कौन सी चप्पलें दे. सो रुक्मणी गोज इनसाइड एंड गोपू मामा, जो मृदु के गोपू मामा थे, उसकी जो हार्डली वॉर्न आउट चप्पल्स थी, हार्डली वॉर्न आउट मीन्स दे वर हार्डली यूज, दे वर ब्रांड न्यू चप्पल्स. ओके, सो वो चप्पल्स बाहर ले आए और उन्होंने म्यूजिक मास्टर को वो चप्पल्स दे दी रुक्मणी ने. नाउ म्यूजिक टीचर वॉज वेरी हैप्पी एंड हिज आईज लिट अप विद जॉय, बट वो ये सब खुशी दिखाना नहीं चाह रहा था. म्यूजिक मास्टर वो क्यों नहीं दिखाना चाह रहा था, क्योंकि अगर हमें अपनी चीज से ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए और हम बोल रहे थे भाई मेरी चीज तो बहुत अच्छी है, तो उनको पता चल जा रहा था ना कि उसकी चप्पलें तो बहुत वॉर्न आउट थी. सो म्यूजिक मास्टर वॉज बेसिकली ट्राइंग टू हाइड हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी को वो छुपा रहा था कि मैं ज्यादा खुश होकर प्रिटेंड ना करूं, बट इन साइड ही वॉज वेरी हैप्पी. सो वॉट happened next in the scene, now Rukmini went inside. Rukmini ne Mridu aur Meena ko bulaya andar ki chalo let's eat something and she took them to the kitchen. Now what happened, Rukmini started laughing. She started laughing herself in the kitchen. Now they were thinking ki kya hua, wo hans kyun rahi hai Rukmini. Now Rukmini then said, Rukmini kehti ki jaise tumhare Gopu mama aate hain na, wo Mridu ko batane lagi ki jaise tumhare Gopu mama aate hain, he takes off his shoes, apne joote utar dete उसी वक्त और अपनी चप्पलें डाल लेते हैं, क्योंकि उनको चप्पलें डालनी होती है. एंड शी वॉज लाफिंग बिकॉज शी वॉज थिंकिंग कि आज अगर गोपू मामा आके चप्पलें मांगेंगे तो मैं उनको क्या कहूंगी कि मैंने आपकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी. सो शी वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस एंड ऑन दिस थॉट ही लाइक शी वॉज वेरी या शी वॉज गिगलिंग ऑन दिस थॉट. सो दिस इज वेयर द चैप्टर एंड्स एंड दिस इज वॉज द होल स्टोरी लाइन ऑफ द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, दैट हाउ दे गिफ्टेड दोस चप्पल्स टू द बेगर. एंड एट द एंड यू विल सी दैट music teacher was happy by getting the new chappals. So you know in this thing you can see both of them, like two persons got chappals, the one was the beggar, the other one was the music teacher. So I hope that this lesson is clear to you guys. In our next video we'll be talking about the question answers of this chapter. So till then, take care.